नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं कि अभी आपको पता है कि सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अन्वेषक कम संगणक आदि विभिन्न पद निकले हैं जिनके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स या एमए सांख्यिकी जो क्वालिफिकेशन है तो उसके पद आ रखे हैं। तो वो पद जो है पूरी तरीके से मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए आ रखे हैं। तो अगर आप उन पदों को भर रहे हैं तो उनकी तैयारी आप कैसे करें, कौन सी किताब से आपको पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर आपको ज्यादा हेल्पफुल होंगे और उसके पूरे सिलेबस पाठ्यक्रम की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और अंत में आपको सारी बुक्स के नाम भी बताऊंगा कि इन बुक्स को आप पढ़ें तो आपको क्या क्या कहां कहां किस बुक से पढ़ने से आपको कितना फायदा होगा। तो जैसे मैंने बताया कौन कौन से सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अन्वेषक कम संगणक, तो उनमें आपने देखा होगा अलग अलग क्वालिफिकेशन है, सिर्फ एक दो पद हैं जिनमें एमएससी मांगा हुआ है, अदरवाइज ग्रेजुएशन भी, सब में ग्रेजुएशन वाले भी जो मैथ से ग्रेजुएट हैं वो भी भर सकते हैं या जो सांख्यिकी वाले हैं वो भी भर सकते हैं। तो जो मैथ्स वाले हैं तो अभी खासकर वो बच्चे जिन्होंने एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन करी, पीजीटी मैथ्स के लिए प्रिपरेशन करी, तो अभी पीजीटी का तो रिजल्ट आया नहीं प्रवक्ता का, लेकिन एलटी मैथ्स का रिजल्ट आ गया, तो वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो। अगर आपने वहां पढ़ा है तो आपको वो यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ के आपका सिलेक्शन यहाँ, और खासकर मैथमेटिक्स वालों, क्योंकि कुछ बच्चे वहां चले जाएंगे कुछ वहां चले जाएंगे तो अच्छा आपके लिए चांस है। तो कैसे तैयारी आपको करनी है तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको पहले तो विशेष ध्यान ये रखना है कि जैसे आपको पता है कि जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो 100 मार्क्स का एग्जाम लेता है, कितने का लेता है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो अगर आपका 100 मार्क्स का जो एग्जाम है तो उसको अगर हम देखें तो आपको 100 मार्क्स का एग्जाम मिलेगा। तो इसके दो पार्ट हैं, इस एग्जाम के जितने भी ये पद मैंने बताए, अभी इसकी फरवरी तक लास्ट डेट है, तो जिन्होंने नहीं भरा है तो वो भी भर लें, इस पद को बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मैथमेटिक्स वालों के लिए तो बहुत अच्छा पेपर है, मैथमेटिक्स और सांख्यिकी वालों के लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए ये पेपर आया है तो और तो इसको भर भी नहीं सकते। तो आपको इसमें दो सेक्शन मिलेंगे, एक 30 मार्क्स का सेक्शन मिलेगा और एक सेक्शन मिलेगा आपको 70 मार्क्स का। तो ये जो 70 मार्क्स का सेक्शन है तो ये ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर मतलब ये सांख्यिकी वाले सांख्यिकी का पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं और जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो मैथमेटिक्स का सिलेक्शन करेंगे, यानी मैथमेटिक्स ऑप्ट करेंगे आप, और जो सांख्यिकी वाले हैं वो सांख्यिकी अपना ऑप्ट करेंगे। लेकिन ये जो 30 मार्क्स का पेपर है ये दोनों को देना है, यानी जो मैथमेटिक्स ऑप्ट करेंगे उनको भी और जो सांख्यिकी ऑप्ट करेंगे उनको भी देना है, ये 30 मार्क्स का पेपर। तो इस 30 मार्क्स के पेपर में क्या क्या आएगा, ये जो 30% है इसमें क्या आएगा, कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान, पहला आपका क्या चीजें पूछ रहा है, कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान, फिर दूसरी चीज वो बोल रहा है गणित, और तीसरी चीज बोल रहा है सांख्यिक का प्राथमिक एवं आधारभूत ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब तीन चीजों से पूछे जाएंगे, एक किसके से, एक पहले पूछा जाएगा आपसे किससे, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का आपको जो बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज है वो होना चाहिए, दूसरा आपको मैथमेटिक्स और तीसरा आपको सांख्यिकी का जो प्राथमिक ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। तो ये तो आएगा आपका 30 मार्क्स का, दूसरा आएगा आपका 70 मार्क्स का, तो ये सब्जेक्ट आएगा। तो अभी बता रहा हूं कि इसमें तो आपको तैयारी कैसे, पहले मैं आपको 30 मार्क्स वाले के बारे में बता रहा हूं कि 30 मार्क्स वाले की आपको तैयारी कैसे करनी है। तो गाइज आप लास्ट तक जरूर बने रहे क्योंकि लास्ट में मैं आपको बुक्स के नाम बताऊंगा जिनमें आपको ये सिलेबस मिलेगा, और सिलेबस तो आपको आपकी बीएससी की बुक में भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तरह से तैयारी करनी है, और मैं इसकी ऑनलाइन कोचिंग भी देता हूं। अगर आपको किसी तरीके की किसी भी समस्या आ रही है मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्जाम में तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9897545479।
और मेरा नाम है डॉक्टर मुकेश नौटियाल, डॉक्टर मुकेश नौटियाल। ठीक है गाइस, तो आप इस पे मेरे को कांटेक्ट करें तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इवन ये जरूरी नहीं है कि आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तभी मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप वैसे भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको बुक्स कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्लानिंग के बारे में आपको गाइड कर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपकी क्वायरीज को जरूर सॉल्व करके दूंगा। तो पहले मैं वो जो 30 नंबर है मैंने अभी बताया आपको, 100 में से 30 और 70, 30% ये है 70। अब इसमें मैंने तीन चीजें बोला, एक तो बोला बेसिक कंप्यूटर, एक आपको बोला मैंने मैथ्स, और एक आपको बोला मैंने सांख्यिकी। तो आप ऐसा भी हो सकता है कि 10 नंबर हो यहां से दे दे बेसिक कंप्यूटर, 10 यहां से दे दे, और 10 नंबर हो स्टैटिस्टिक्स से दे दे, सांख्यिकी से दे दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसने ऐसा डिसाइड नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि 12 यहां दे दे, 12 यहां दे दे, यहां 8 ही दे दे, यानी 30 मार्क्स का ये तीन सेक्शन आने हैं। लेकिन उसमें ये तीन जो है बेसिक कंप्यूटर, मैथ्स और सांख्यिकी, तो उसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। तो पहले मैथमेटिक्स का, अभी ये 70 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 30 नंबर की बात कर रहा हूं। ये कॉमन पेपर है, कॉमन मतलब ये मैथ्स वाले और जो सांख्यिकी ऑप्शनल पेपर भरेंगे उनको भी देना पड़ेगा, और जो मैथ्स ऑप्शनल पेपर भरेंगे उनको भी देना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आपको पता है वेल नोन टॉपिक है, जिन्होंने अभी एलटी की तैयारी करी तो उनके लिए तो ये कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, फंक्शन एंड रिलेशन। आपको पता है 12वीं का चैप्टर है, एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये पूरी तरीके से अगर आप देखें तो ये आपको 12th स्टैंडर्ड की बुक में आपको पूरा सिलेबस ये मिल जाएगा। इसके लिए आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा जो भी पढ़ते हैं, या जो आपने 12th में एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो उसमें से भी ये सिलेबस आपका कवर हो रहा है। यानी ये बेसिकली 11th-12th बेसिस सिलेबस है पूरा, ये मैथमेटिक्स का जो कॉमन पेपर, ये कॉमन पेपर का सिलेबस है। ठीक है गाइस, फिर आप आ जाइए स्टैटिस्टिक्स पे या सांख्यिकी पे। अगर आप आ गए तो इसमें आपका क्या है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा बाय टेबल डायग्राम, पता है आपको डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार डायग्राम, स्ट्रोब, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दुनिया भर के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सिंपल एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन मीडियन मोड एंड दियर प्रॉपर्टीज, क्वार्टाइल हो गया और ये डिसाइल्स हो गया एंड परसेंटाइल हो गया, और कॉन्टेम्परेरी ट्रेंड्स इन स्टैटिस्टिक्स आपका हो गया। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये भी आपको 11th-12th की बुक्स में मिल जाएगा। अगर आप आईसीएसई बोर्ड की बुक्स देखें तो उसमें 12th-10th में भी ये सारा सिलेबस है, ये वाला जो ये चीजें आपको ये मिल जाएगी। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा आपको, कॉन्टेम्परेरी ट्रेंड्स इन स्टैटिस्टिक्स, बाकी ये सारा तो 12th और 11th में आपको मिल जाएगा, चाहे आप सीबीएसई की देखें, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड की देखें, और ये क्वार्टाइल जो है ये 10th में भी दे रखे हैं आईसीएसई बोर्ड में। तो मतलब ये आपको 12th लेवल तक का ही सिलेबस है, और इसमें ये कॉमन पेपर का सिलेबस है। ये आपको अगर कोई बच्चा ऑप्शनल स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है तो उसको भी देना पड़ेगा, जो ऑप्शनल पेपर मैथ्स का लेता है उसको भी। तो इसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, जो बुक्स आप पढ़ते आ रहे हैं आपके पास होंगी उन्हीं को पढ़िए आप। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन रिलेटेड हैं तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस बुक से मिल सकते हैं। अब वैसे मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा, आर एस अग्रवाल की आती है बुक, आर एस अग्रवाल की एनडीए और एनए मैथमेटिक्स करके आती है, तो उस बुक्स में भी आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। एक आर गुप्ता की आती है, आर गुप्ता की आती है एनडीए एनए करके भी आती है, एनडीए एनए करके भी आती है, टीचर्स के लिए भी आती है, उसमें पीजीटी मैथमेटिक्स नाम से भी आती है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड में भी बहुत सारी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक्स आती है तो उनमें आपको ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो ये तो हुआ गाइज 30 नंबर का आपका, कि आपको 30 नंबर की तैयारी कैसे करनी है। अब बात करते हैं जो 70 नंबर का पेपर है, ये ऑप्शनल पेपर है। तो ये ऑप्शनल है मतलब इसमें मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स लेंगे और सांख्यिकी वाले सांख्यिकी। तो अब इस सिलेबस को आप ध्यान से देखिए,
और लास्ट में मैं बुक्स के नाम बताऊंगा। फिर मैंने बताया आपको किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है, आप पहले इसका फॉर्म भर दीजिए क्योंकि फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है, और खासकर मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे और सांख्यिकी उन्हीं के लिए फॉर्म आ रखा है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत कम फॉर्म होते हैं जो सिलेक्टेड स्ट्रीम के लिए आते हैं, तो यानी सीधा सीधा मैथमेटिक्स और सांख्यिकी वालों के लिए ये एडवांटेज है, तो आपको वो एडवांटेज लेना भी चाहिए। और जिन्होंने LTA और लेक्चरर की तैयारी करी है तो उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है। अगर वो किसी, अभी वैसे लेक्चरर का रिजल्ट आया नहीं उत्तराखंड में, पर LTA का आ गया है, तो जो बच्चे वहां रह गए हैं तो उनको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ये फॉर्म आप ही लोगों के लिए आया है, तो आप इसकी तैयारी करिए, और जो भी मदद आपको मेरे से चाहिए मैं आपकी करूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑनलाइन क्लासेस मैं देता हूं, वो भी आप ले सकते हैं। तो अब मैं बता रहा हूं मैट्रिसेस, तो आपको बता दूं मैं मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर एनालिसिस और डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर होता है, खासकर बेसिकली, जरूरी नहीं यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में, उत्तराखंड की जो यूनिवर्सिटियां जैसे गढ़वाल हो गया और आपका सिरदेव सुमन यूनिवर्सिटी हो गया या कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो गया, उनकी बात कर रहा हूं। अदरवाइज बाहर की जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो बाहर से बच्चे पढ़ के आए, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, कोई बाहर BHU से पढ़ के आए हो, किसी डिफरेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़ के आए, तो हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, लेकिन मिलेगा बीएससी की बुक्स में ये सारा सिलेबस आपको। तो या तो आप इंडिविजुअल बुक्स खरीद लीजिए इनकी, और अगर आपको कंबाइंड बुक्स चाहिए तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के सिलेबस से एस चांद पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, वो मित्तल साहब की भी है, US राणा सर की भी है, तो काफी बुक्स आपको मिलेंगे जो कंबाइंड। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसके, मैं अभी बुक्स के नाम आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वो देख लेना आप कि अगर आपको स्पेसिफिक बुक चाहिए, किसी स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक चाहिए या जो स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में करिए। पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं आपको स्टैंडर्ड बुक और ऑथर के साथ बता दूंगा, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं उस पर आपको फ्रंट पेज का फोटो भी भेज दूंगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन आपको पता है इतना, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये तो आपको 12th तक की बुकों में भी मिल जाएगा, 12th की बुकों। लेकिन इसके बाद जो रैंक ऑफ मैट्रिसेस है, आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड क्रैमर रूल, ये भी आपको 12th में मिल जाएगा। लेकिन ये बीएससी में है, ये किसमें है, ये बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, रैंक पर आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, रैंक पर आपको क्वेश्चन मिलना है। देखिए तैयारी अगर आप प्लानिंग से करेंगे तो ही निकलेंगे, पढ़ने से कोई नहीं निकलता, तब पढ़ाई के साथ अगर आपके पास प्लानिंग भी है तो आपकी चांसेस, ऐसा नहीं है कि पढ़ने से, मतलब पढ़ने से आपको पढ़ना है लेकिन प्लानिंग के साथ पढ़ना है तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा, ये मेरा कहने का मीनिंग था। तो इसमें क्या है कि अगर आपको जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर है, तो ये सब आपको बीएससी की बुक्स में मिल जाएगा। तो कैसे पढ़ना है वो अभी बता दूंगा, कौन सी बुक्स से आप पढ़ें तो ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, और इन सब पर मेरे पास वीडियो बने हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड वीडियो भी बने हुए हैं और डिटेल वीडियो भी बने हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में आपको प्राइमरी ऑनवर्ड MSc तक, और जो LTA वाली प्लेलिस्ट है और लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी दे रखे हैं, और डिटेल के लिए आप बीएससी वाली प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, तो वहां ये सारे टॉपिक का डिटेल सॉल्यूशन भी है। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए तो वो LTA और लेक्चरर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, डिफरेंट वीडियोस देखिए, तो आपको काफी टॉपिक मिल जाएंगे। उसके बाद भी जो रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ये तो आपको सारा 12th और 11th में मिल जाएगा, 11th प्लस 12th में ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ गया एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ग्रेगरी सीरीज एंड समीशन, तो ये आपको बीएससी की बुक में मिलेगा, बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, सिरदेव और गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बाहर की यूनिवर्सिटियों में ये सेकेंड ईयर में भी हो सकता है और फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है और थर्ड ईयर में भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा आपको बीएससी की। फिर वेक्टर एनालिसिस है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल गेट डेफिनेटली अ क्वेश्चन फ्रॉम 1-3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक्स,
ये मिलेगा आपको, देखा होगा आपने एलटी में भी मिले आपको, ये हर जगह मिलते हैं इन टॉपिक से, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इट्स एप्लीकेशन, और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन्स थ्योरम, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, आपको पता है लीनियर इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को ही ये थ्योरम्स रिप्रेजेंट करती है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनके लिए मैंने वीडियो भी बनाया, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो डिफरेंशियल कैलकुलस आपको पता है बहुत इसका फेमस टॉपिक है लिमिट, लिमिट का क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली मिलना ही मिलना है, वो श्योर है, और वो भी एल हॉस्पिटल रूल वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो निकल जाता है। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन सक्सेसिव, अभी आपने देखा था एलटी में मॉडुलस फंक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ रखे थे डिफरेंशिएट के कि किन किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे वीडियो भी बना रखे हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे बहुत सारे वीडियो, और एलटी के क्वेश्चन पेपर में भी जो क्वेश्चन आए थे उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लिवनीस थ्योरम, ये सारा बीएससी का सिलेबस है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर्स थ्योरम, तो यूलर्स थ्योरम पर भी क्वेश्चन आता ही आता है, इस बार तो नहीं आया एलटी में लेकिन इस पर भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि इस बार डिफरेंशिएशन पे ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे। ऑन होमोजेनियस फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, कर्वेचर, कर्वेचर हो गया, रोलीज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन, टेलर सीरीज एंड मैकलॉरिन सीरीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे, तो आपको पता ही है जिसपे एल हॉस्पिटल रूल लगता है इसी पे लिमिट का क्वेश्चन बनता है। फिर हम बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की, तो डेफिनेट इंटीग्रल हो गया बीटा एंड गामा फंक्शन पे, मेरे चैनल पे आपको दो तीन वीडियो मिल जाएंगे जिसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं वो मैंने अटेम्प्ट कर रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो मैंने आपको दे रखा है। डबल इंटीग्रेशन, रेक्टिफिकेशन लेंथ ऑफ अ कर्व, राइट। तो दोस्तों अभी देखते रहिए, लास्ट में मैं बुक्स के नाम बताऊंगा, तो आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जो मैं नए नए वीडियो डालूंगा, मैं इसका पूरे सिलेबस के वीडियो डालूंगा, वैसे मैंने अधिकतर वीडियो डाले हैं पर जो अगर एक आधा टॉपिक छूट रखा है तो उस पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के आपको वीडियो दूंगा और डिटेल वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ टू एंड थ्री डायमेंशन, डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ये तो सब ट्वेल्थ में भी आपको मिल जाएगा, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, सिलेंडर, कोन एंड स्पीयर, तो ये इसमें अधिकतर ट्वेल्थ का ही सिलेबस है, ट्वेल्थ की नहीं तो एनालिटिक ज्योमेट्री आती है एक बीएससी में, एनालिटिक ज्योमेट्री या 3D भी बोलते हैं उसको, तो उसमें भी ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब आइए आप एलजेब्रा, तो एलजेब्रा में आपका सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द कार्डन एंड डेस्कार्टा एंड फरारीज मेथड, तो ये आपको पूरा पूरा पता है, बीएससी में आपको पढ़ाया जाता है सेकेंड ईयर में, तो कहीं सेकेंड ईयर कहीं थर्ड ईयर, लेकिन बीएससी का सिलेबस है। ग्रुप, ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रुप आपको पता है ग्रुप से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एलटी में भी बना था, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन आ रखा था, एबिलियन ग्रुप हो गया आपके पास, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं चैनल पे, जरूर एक बार देखिए उन वीडियो को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में भी और डिटेल वीडियो, आपको पसंद आएंगे। तो क्वेश्चन ग्रुप हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप, रिंग, रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिंग पे भी क्वेश्चन बनता है, आइडियल एंड इंटीग्रल डोमेन। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूडिंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सेपरेबल वेरिएबल, तो इस पे मैंने डिटेल में आपको वीडियो दे रखा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी दे रखा है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ अ फर्स्ट डिग्री, ये सब आपका बीएससी में मिल जाएगा आपको, बीएससी वो सीएफ हो गया, पीआई, उस पर मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, सीएफ कैसे निकालते हैं, डिफरेंट केस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल के उस पर भी वीडियो है, तो आप सब प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, ऑर्डर एंड डिग्री, इस पर भी क्वेश्चन बनता है,
कंसेप्ट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियल एनालिसिस. सो यू नो दैट द रियल एनालिसिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रेजुएशन लेवल. सो वेन यू आर इन बीएससी थर्ड ईयर, तो फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग ईयर में पढ़ाई जाती है, पर पढ़ाई जाती है रियल एनालिसिस. तो इसमें मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, रेशियो टेस्ट हो गया, रेवे टेस्ट हो गया, कॉची रूट टेस्ट हो गया, लॉगरिथम टेस्ट हो गया और डिमॉर्गन टेस्ट हो गया. इन पर आपको मेरे चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. बाकी ये कॉम्पैक्टनेस ऑफ रियल नंबर, काउंटेबिलिटी, काउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है. फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की. तो है आपने देखा एलटी में सीआर इक्वेशन का क्वेश्चन आ रखा था, इवन वो गलत भी दे रखा था. मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दियर प्रॉपर्टीज, तो ये आपका 12th तक का है. एनालिटिक फंक्शन, इस पर क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है एनालिटिक फंक्शन पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स. और ये के सिंगुलैरिटीज एंड पोल पर भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सिंगुलैरिटीज एंड पोल. कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, टेलर थ्योरम. तो लीन है, वैसे भी बहुत सिलेक्टेड सिलेबस आपको दिया है, टॉपिक के नाम दे रखे हैं, तो आपको पढ़ने में और आसानी होगी, क्योंकि एलटी में तो उन्होंने बुक्स के नाम दिए थे, टॉपिक्स के नाम नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ इन्होंने टॉपिक्स के नाम भी दिए हैं, तो ज्यादा आसानी से आप पढ़ सकते हो कि टॉपिक वाइज आप तैयारी कर सकते हो. लेकिन कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कम पढ़ना है, तो ये बहुत जरूरी है. फिर हम बात करेंगे लीनियर एलजेब्रा, तो लीनियर एलजेब्रा भी आपको पता है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए. तो वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, क्वेश्चन स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस ऑफ अ वेक्टर, ये इस पर मैं हमारे चैनल में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, देखेंगे आप. लीनियर स्पेन, बेसिस एंड डायमेंशन एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर भी हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा. तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको पता है एलटी लेक्चरर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था न्यूमेरिकल एनालिसिस, और आपने देखा एलटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस से सीधा आ गए थे, शिफ्ट ऑपरेटर पर, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर पर, बैकवर्ड ऑपरेटर पर. तो दोस्तों फाइनाइट डिफरेंस, डिफरेंस ऑपरेटर, न्यूटन इंटरपोलेशन, डिवाइडेड डिफरेंस, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें आपको पता है सिम्पसन वन थर्ड रूल, कोट फॉर्मूला, ट्रेपीजोडियल रूल, ये सब इंपॉर्टेंट है. सिम्पसन वन थर्ड रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, अभी आपने देखा एलटी में आया भी था कि ये किस टाइप की इक्वेशंस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो क्वाड्रेटिक, लीनियर, तो उस टाइप के क्वेश्चन इसके बनते हैं. तो उस टाइप के क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस भी आपको कराई है अपने चैनल पे. मैंने बोला आपको एलटी और लेक्चरर की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको कराया गया है, और डिटेल के लिए आपको बीएससी वाली प्लेलिस्ट में देखना है. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनता ही है. बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रॉब्लम कि फिजिबल सॉल्यूशन है, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, तो इस पर भी क्वेश्चन आपका बनता है. तो दोस्तों क्योंकि आप लास्ट तक आपने वीडियो को देखा, तो अब मैं आपको बुक्स के नाम बता रहा हूं कि किस बुक से आपको पढ़ना है कि आपका पेपर आपको कम समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी आप सिलेबस. तो देखिए अगर आपके पास, मैं आपको बताता हूं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तीन बुक्स चलती है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तीन बुक्स चलती हैं, एक होती है मैथमेटिक्स वन, मैथमेटिक्स वन, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वन, मैथमेटिक्स टू और मैथमेटिक्स थ्री नाम से, मैथमेटिक्स थ्री नाम से बुक्स आती है. तो मैथमेटिक्स वन हो गया, मैथमेटिक्स टू, मैथमेटिक्स थ्री, तो ये आपको मिल जाएंगी एच के दास, एच के दास, एच के दास की भी मिलती है. और ये आपको ये सेकंड और थर्ड वाली जो है लक्ष्मी पब्लिकेशन, एनपी बाली, एनपी बाली. तो इनमें आपका ये जो ऊपर सिलेबस दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ रियल एनालिसिस वाला जो थोड़ा बहुत सिलेबस है उसको छोड़कर सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा इन तीन में. मैंने कहा आपको, आपको क्या लेनी है, एक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वन टू और थ्री, ठीक है. तो ये तीन बुक्स आपको खरीदनी है, इनमें आपको
अच्छा ये एच के दास की जो आती है एस चांद पब्लिकेशन की आती है, एस चांद पब्लिकेशन की बुक है, एस चांद पब्लिकेशन की जो बुक है उनमें आपको ये सिलेबस आपको काफी लगभग लगभग पूरा सिलेबस आपको सिर्फ वो वाला, एक तो वो लीनियर वाला, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो है लीनियर एलजेब्रा उसको और रियल एनालिसिस को छोड़कर, लीनियर और रियल रियल एनालिसिस को छोड़कर और वो एलजेब्रा वाला, बाकी सिलेबस आपको जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन मैट्रिसेस हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला आपको मैथमेटिक्स थर्ड में मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला आपको यहाँ मिल जाएगा, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम वो आपको यहाँ, वो आपको सब मैथमेटिक्स फर्स्ट में मिल जाएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस मैट्रिसेस को डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आपको यहाँ मिल जाएगा राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको एक बुक में ही सब कुछ चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है तो आप लोगों ने एलटी और लेक्चरर में भी वो बुक देखी होगी, तो उसमें लिखा रहता है पीजीटी टीजीटी डिफरेंट और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं 3-4 हजार के करीब, तो वो बुक से भी आप पढ़ सकते हैं यूथ कंपटीशन की, एलटी में भी काफी क्वेश्चन उससे आए हैं और लेक्चरर में भी आए, तो यूथ कंपटीशन आरडी शर्मा की ऑब्जेक्टिव आती है, आर एस अग्रवाल की बुक आती है एनडीए और एनए नाम से, एनडीए और एनए नाम से, तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडी शर्मा की भी आती है ऑब्जेक्टिव बुक, वो इम्पोर्टेंट, एक आर गुप्ता की आती है, आर गुप्ता पब्लिकेशन की आती है, तो वो बुक भी आप देखेंगे, एनडीए एनए ले लें आप, एनडीए या एनए करके आती है, और एक आर गुप्ता की लेक्चरर के लिए आती है, पीजीटी के लिए आती है केंद्रीय विद्यालय, तो उस बुक में भी आपको पूरा डिटेल सिलेबस लगभग लगभग ये मिलेगा, मतलब उसमें 12th बेस तक का तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन ये टॉपिक थोड़े से, ये जो ग्रेजुएशन के टॉपिक है इनके लिए स्टैंडर्ड बुक तो मैंने बता दिया, अगर आपको ज्यादा नहीं खरीदनी तो आप ये खरीद लीजिए। एक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है सीएसआईआर नेट की आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, तो उसको भी अगर आप परचेज करेंगे तो उसमें भी आपको काफी सिलेबस आपका मिल जाएगा, बहुत सारा सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा गाइस। बाकी आपके लिए अलग अलग ऑथर की बुक्स भी हैं, तो उन बुक्स को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने कहा अगर आपको स्पेसिफाइड बुक चाहिए, जैसे गुप्ता मलिक की आती है स्टैंडर्ड बुक आती है, रियल एनालिसिस के लिए अलग बुक आती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए आपको कोई पर्टिकुलर बुक पढ़नी है तो वो मैं बता दूंगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए तो वो मैं आपको बता दूंगा, सीबीएनएसटी न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है तो उसमें आप एनपी बाली, देखिए सीबीएनएसटी जो होता है सीबीएनएसटी जो बीटेक और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनका सीबीएनएसटी नाम से आता है, जो अप्लाइड के स्टूडेंट है उनका न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से आता है, तो न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है उसको ले सकते हैं आप, एनपी बाली की आती है सीबीएनएसटी की, बहुत अच्छी बुक है उसको ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा अगर आपको लगता है कि मैं इतनी बुक्स नहीं खरीद सकता, वैसे आपके पास बीएससी की बुक्स होंगी तो जिनके पास बीएससी की बुक्स है वो सिर्फ बीएससी की बुक से पढ़े, पूरा सिलेबस है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो अगर एक बुक खरीदनी है तो सीएसआईआर नेट, लेकिन इसमें फिर आपके क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं तो उतने लेवल के आपको करने नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन इसमें आएंगे क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड, क्योंकि कुछ पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है और कुछ पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें है गाइस। तो मुझे लगता है कि आपको अगर और डिटेल इसमें चाहिए होगी तो आप मेरे से संपर्क करें तो मैं आपको इसके बारे में काफी कुछ बता दूंगा कि आप किस तरीके से इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने कहा यूथ कंपटीशन की बुक्स आती है वो देख लें आप, एनडीए सीडीएस के लिए अलग अलग ऑथर की आती है, उत्तर प्रदेश पीजीटी की बुक्स आती हैं, उत्तर प्रदेश टीजीटी की बुक आती हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट की पीजीटी की बुक आती है, आर गुप्ता की आती है दिल्ली सबऑर्डिनेट और पीजीटी केंद्रीय विद्यालय पीजीटी केंद्रीय विद्यालय और एनबीएस की पीजीटी की जो बुक्स हैं उनमें भी आपको अच्छा सिलेबस मिल जाता है, अच्छे क्वेश्चंस, मेन है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं। अगर आपने वीडियो को अंतिम तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैंने अपना नंबर वीडियो में बताया आप उस पर भी करिए, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी इसकी, तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा।
राइट गाइस, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें प्लीज, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये जो इससे रिलेटेड मैं वीडियो दूंगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।